कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राजधानी लखनऊ में रमजान माह के पहले जुमे की नमाज अदा की गई। जुमे की नमाज को लेकर राजधानी लखनऊ में पुलिस प्रशासन की ओर से कड़े सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की ओर से राजधानी की सभी मस्जिदों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी पुलिस बल तैनात रहा। इसके अलावा लखनऊ की बड़ी मस्जिदों इमामबाड़ा स्थित आसिफी मस्जिद, टीले वाली मस्जिद और ऐशबाग ईदगाह स्थित जामा मस्जिद पर पुलिस बल के साथ पीएसी, आरएएफ और बीएसएफ के जवान तैनात रहे। बता दें कि सीएए लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीजीपी प्रशांत कुमार की ओर से अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। वहीं रमजान माह के पहले जुमे की नमाज पर शांति व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर मस्जिदों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। वहीं दूसरी ओर ऐशबाग ईदगाह जामा मस्जिद के इमाम मौलाना खालिद रशीद ने बताया कि सभी ने सकुशल जुमा की नमाज अदा की और सीएए को लेकर कहीं भी किसी भी मस्जिद में कोई विरोध नहीं हुआ। उन्होंने आगे कहा कि मस्जिद नमाज और इबादत की जगह है, इसलिए हमने पहले से ही सभी से अपील की थी कि शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज अदा करें और रमजान की इबादत करें। जैसा आपने बताया, आज पवित्र माह रमजान का पहला जुमा था। एक्सपेक्टेड था कि बड़ी संख्या में जो नमाज पढ़ने के लिए आएंगे लोग, उसके परिप्रेक्ष्य में इन लोगों को जो धर्म से धार्मिक लोग हैं, अभी नमाज रोजा रख रहे हैं, नमाज उनको अता करना है, एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल उपलब्ध कराने के लिए लखनऊ पुलिस ने एक्सटेंसिव व्यवस्था की थी, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स, पीएससी, सिविल पुलिस का कंपोनेंट, इनकी फुट पेट्रोलिंग हम लोगों ने किया है, पिकेटिंग कराई गई है, प्लस इंट कलेक्शन भी हमारा साथ साथ जारी है। और इस पूरे जो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं हमारे, जैसे पीछे आप टीले वाली मस्जिद देख रहे हैं, बड़ा इमामबाड़ा बहुत फेमस स्थान है जिसमें आसफी मस्जिद है, घंटाघर है, इन सब जगहों पर हमारे ACP लेवल के अफसर इसको सुपरवाइज कर रहे थे। और आपने जो कहा कि कैसे संपन्न हुआ, अभी आपने पीछे देखा कि फोर्स बहुत शांति से नमाज पढ़ने के बाद उनका डिस्पर्सल चल रहा है, सब कुछ बहुत शांतिपूर्ण और बहुत अच्छे माहौल में सारा नमाज संपन्न हुआ। सर, घंटा घर में सब बैरिकेडिंग बढ़ाई गई है और बीएसएफ भी वहाँ पर डिप्लॉय हुआ है, इसके पीछे का कारण क्या देखा? देखिए, घंटा घर हमारा एक अच्छा पिकनिक स्पॉट की तरीके से है, लोग आते जाते रहते हैं वहाँ, इसी के अपने वहाँ जो इंजॉय करने आते हैं लोग, घूमने आते हैं, लेजर पीरियड के लिए आते हैं, उसमें कोई व्यवधान ना हो, बेहतर तरीके से करा सकें, उसको हम लोग सिक्योरिटीज़ को प्रोवाइड कराया है और वैसे भी सिक्योरिटी हमेशा वहाँ रखा जाता है। याद रमज़ान मुबारक का पहला जुमा था और तमाम रोज़ेदार, तमाम मुसलमान इस बात के बड़े पैमाने पर अहतमाम करते हैं कि जल्दी मसाजिद में पहुँचें और नमाज का अहतमाम करें, और नमाज से पहले खुतबे में, तकरीर में रमज़ान मुबारक की अहमियत और इस महीने में हमें किस तरीक़े से इबादत करनी चाहिए, किस तरीक़े से महीना गुजारना चाहिए, इस पे उलमाए इकराम ने तकरीरें की अपने यहाँ जामा मस्जिद ईदगाह लखनऊ में भी और पूरे शहर में। पुरअमन तरीक़े से जुमे की नमाज़ें सब ने अदा की और हम लोगों का हमेशा से ये मानना है कि मस्जिदें इबादत के लिए हैं, तो लिहाजा मस्जिदों के अंदर या बाहर किसी किस्म का मुजाहरा या प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। आवाम से क्या जो है, मेरी आवाम से यही अपील है कि इस मुबारक महीने को इबादत में गुजारें और हर तरीक़े से अमन व अमान कायम रखें।